मीनाक्षी, मेंढर का जो इलाका आप दिखा रही थी, वहां पर जैसा मैंने कहा, नाले हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, और ये पूरा इलाका बहुत डेंस, इसीलिए यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं उनमें एक तरह से हावी होने की कोशिश दोनों तरफ से रहती है। बिल्कुल, और ये बात सुचेता हर कोई जान रहा है, समझ भी रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो चाहे वो भारतीय सेना हो, कि यहाँ पर रिटेलिएट करना, चाहे अगर भारत की तरफ से हमला हो या पाकिस्तान की तरफ से हमला हो, दोनों ही सूरत में रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों जवान जो पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर द्वारा घायल हुए थे, वो स्वचालित रॉकेट लॉन्चर है जिनका इस्तेमाल इसी इलाके में किया गया था। ये मेंढर सेक्टर है और यहीं से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, आप देख सकते हैं, ये है मंडोल सेक्टर जहां पर दो फॉरवर्ड पोस्ट बनाई गई थी। फॉरवर्ड पोस्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, AIOS, जिसे तार बंदी आसान शब्दों में समझाया जाए, यहां पर तार बंदी की गई है। और कई बार तार को पार करते हुए भारतीय सेना भी यहां पर जाती है पेट्रोलिंग करने के लिए, और पाकिस्तानी सेना की जो बैच की जिसकी बात लगातार हो रही है, बॉर्डर एक्शन टीम, उन्हीं के द्वारा ये घटना, ये कायरतापूर्ण घटना अंजाम दी गई है, जहां पर यहां पर दो फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए पहुंचे थे, जब पाकिस्तान की ओर से स्वचालित रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, जब वो घायल हो गए, तब यहां से वो बैट टीम भारतीय सीमा में घुसी है। यहां पर दो शवों के साथ बर्बरता की गई है, चाकुओं से गोदा गया है, उसके बाद वापस वो यहां से भागने में कामयाब हो गए हैं। आप ये समझ सकती हैं, क्योंकि ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, जितनी भी ये लाइन आप ब्लू कलर में देख पा रही हैं, ये यहाँ पर दरिया बहते हैं, यहाँ पर नाले हैं, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, और झाड़ियां इतनी घनी हैं कि जिनके पीछे अगर कोई छुप जाए, अगर कोई इस तरीके की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे रोक पाना या उसे भांप पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि बार बार इन इलाकों में ही इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। आपको ध्यान होगा, हेमराज का भी जो सर कलम करके पाकिस्तान ने एक कायरतापूर्ण हरकत की थी, वो भी इन्हीं इसी ऐसी ही इलाकों में हुई थी, जहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे, तब उनके साथ इस तरीके की कायरतापूर्ण हरकत अंजाम दी गई थी। सुचरिता बिल्कुल सही कह रही हैं, हेमराज की वो घटना हम आज तक नहीं भूले हैं, और उसके बाद इस तरह की घटना जब बार बार दोहराई जाती है तो लगातार सवाल पूछे जाएंगे, लाजमी है ये सवाल, क्योंकि भारतीय सरकार और भारतीय आर्मी पर अब जवाब देने का दबाव है, क्योंकि लगातार ये अब सवाल पूछे जा रहे हैं। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, वो यही सवाल उठा रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान आर्मी को हम इतनी भी छूट दें कि वो इस तरह की बर्बरतापूर्ण हरकत को अंजाम दे पाए, क्यों बातचीत की भी हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की गोलीबारी में हमारे जवान शहीद हुए और उसके बाद उनकी जो बैट टीम है उसने आकर दोनों जवानों के शवों के साथ बर्बरता की।